जिला अस्पताल में इलाज करा रहे सर्जरी के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब अस्पताल में इमरजेंसी के आए मरीजों और भर्ती मरीजों के लिए होने वाली सर्जरी में कोरोना जांच रुकावट नहीं बनेगा। शासन द्वारा इस जांच से निजात दिलाने के लिए जिला अस्पताल में ट्रूनेट मशीन स्थापित कराई गई है, जिससे कोरोना की जाँच की रिपोर्ट चंद घंटे में ही उपलब्ध हो जाएगी। इस जाँच को करने के लिए सीनियर लैब टेक्नीशियन शिव प्रसाद चौहान और लैब टेक्नीशियन अजीत प्रताप सिंह यादव की ड्यूटी लगाई गई है। शासन के निर्देशानुसार जिला अस्पताल में ओटी का संचालन शुरू हो गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए सुझाव गए उपाय के साथ मरीजों की सर्जरी की जा रही है। साथ ही ओपीडी में दिखाने आ रहे मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनका उपचार भी किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लैब टेक्नीशियन अजीत प्रताप सिंह यादव और प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा, अजीत प्रताप सिंह यादव। इस मरीज से हम इमरजेंसी जो भी पेशेंट हैं, इमरजेंसी सर्जिकल जिसका ऑपरेशन होना है उनका जांच हो सकता है, और इस मशीन की टाइमिंग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए किया गया है। ये 1 घंटा 25 मिनट में एक पेशेंट का जांच कर सकता है। जो भी पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं या तो जिनका ऑपरेशन होना है उनका सही समय से रीडिंग 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट इसे आ जाती है। अभी तक 4 मरीजों का जांच हो चुका है, रिपोर्ट नॉन रिएक्टेड आई थी, निगेटिव आई थी। इस मशीन के लग जाने से मरीजों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे जिनका ऑपरेशन करवाना है उनको ऑपरेशन हो जा रहा है सही समय से। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग को जो ट्रूनेट मशीन प्राप्त हुई है, इससे हम लोग को कोविड की स्क्रीन करके जांच करने में काफ़ी सुविधाजनक है, ये क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो होता है जल्दी प्राप्त हो जाती है, और ये 24 घंटे में जो एक बार में 2 टेस्ट होते हैं इससे, और ये मशीन हमारे यहाँ लगी हुई है और इससे हो रहा है। जिसमें सर्जिकल केसेस जो इमरजेंसी केसेस हैं या जिनमें हमको जल्दी से रिपोर्ट हो करके उनका ऑपरेशन वगैरह करना रहता है, उसमें हमको सहूलियत है, और ये सर्जिकल केसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक और आसान तरीका है कि इसका हम कोरोना टेस्ट को स्क्रीन करके जो है हम इसका ऑपरेशन कर सकें। सर्जरियाँ हमारे शासन के निर्देशानुसार सर्जरी जो है ओपीडीज हमारी जो है करीब जो है 10-15 दिन से चल रही है। 15 दिन से हमारी जो है सर्जरी की ओपीडीज चल रही हैं, और हमारे यहाँ ऑपरेशन बढ़ भी रहे हैं। अब लोगों को जानकारी हुई है कि यहाँ पर सर्जरी जो है इलेक्टिव सर्जरी भी अब होने लगी है, इसलिए अब पेशेंट टर्न अप हो रहे हैं और आ रहे हैं। करीब हमारे यहाँ आज 10 सर्जरियाँ इधर हुई हैं, बाकी जो है प्लास्टर वगैरह के काम हो रहे हैं। कुछ सर्जरियाँ जो हैं कोविड टेस्ट के लिए अवेटेड हैं, जो पहले गई हुई थी, जो पहले कॉलेज में गई हुई थी, उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। जब आ जाएंगी तो वो भी हमारी आर्थो की सर्जरी कुछ लगी हुई हैं वो हो जाएंगी। मेन सावधानी बरतने का ये है कि जो भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं वह अपने को पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो करके कोविड के मरीजों का या ऑपरेशन थिएटर में पूरे
इन्फेक्शन प्रिवेंशन का प्रोटोकॉल फॉलो करें जिससे कि वो संक्रमित ना हो। अगर वे संक्रमित होंगे तो उससे पूरा काम जो है हैम्पर्ड होता है और चीज़ें जो है और उसका मैसेज जो होता है गलत जाता है। इसलिए मेरी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो हैं सेफ्टी मेजर्स जितने भी हैं उसका पूरी तरह से और जो समय समय पर गाइडलाइन शासन से प्राप्त हो रही है उसका पालन करें जिससे कि वो संक्रमित ना हो।